किसान आंदोलन में शुभकरण की मौत के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जम करके फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप सरकार है न कि कोई आतंकवादी जो इस प्रकार किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। मौत की न्यायिक जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पंजाब और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा है। किसान आंदोलन से जुड़ी विभिन्न याचिकाएं सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष पहुंची थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शुभकरण की मौत के बाद एफआईआर दर्ज करने में हुई एक सप्ताह की देरी के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को जमकर के फटकार लगाई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह तक शव को रखा गया और जांच शुरू नहीं की गई। मौत प्राकृतिक नहीं थी तो ऐसे में क्यों पोस्टमार्टम और एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी हुई। इस पर पंजाब सरकार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर पोस्टमार्टम किया जा चुका है और इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए फिर हम इस मामले में आवश्यक आदेश जारी करेंगे। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा पंजाब और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका पक्ष की ओर से विभिन्न जजमेंट पेश की गई थी जिसके अनुसार इंटरनेट लोगों का अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। इन जजमेंट पर हाईकोर्ट ने सरकार को पक्ष रखने का आदेश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने किसानों को भी खरी खरी सुनाई और कहा कि आप हाईवे पर मांगों को लेकर बैठे हो, जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान अदालत में आकर क्यों नहीं अपना पक्ष रखते। जेसीबी और मॉडिफाइड ट्रैक्टर के साथ आंदोलन को कैसे जायज माना जा सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि किसानों ने कल्याण के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं और सरकार के स्तर पर इस विवाद को निपटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट से केंद्र सरकार की अपील है कि देश हित में आदेश जारी किया जाए। अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट क्या कुछ निर्देश जारी करती है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।